अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ हुमूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाना खजाना हैदराबादी यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हुमूस बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली चने लिया है हम 1 कप, का रस लिया है 4 टेबल स्पून, लहसुन की कलियां लिए हैं 12 पीस, नमक लिया है हसबे जायका, जैतून का तेल लिया है 3 टेबल स्पून, दही में 2 टेबल स्पून। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, मगर हम इसका बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको। तहिनी बनाने के लिए हमें चाहिए तिल, इसे हमने भून लिया है, ये 3 टेबल स्पून तिल लिया है हमने, नमक, हसबे जायका, तेल लिया है हमने 2 टेबल स्पून, कोसा भी तेल ले सकते हैं आप, तेल, दही लिया है हमने 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम एक मिक्सर में तिल ऐड करेंगे, हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, तेल डालकर इसको ग्राइंड करना है। हमने तिल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, तेल डालकर फिर से ग्राइंड कर लेंगे, पानी नहीं डालना है, खाली तेल डालना है। ये देखिए हम इसको ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। दही को हमने फेंट लिया था और 3 से 4 नींबू के ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, टहिनी बनकर तैयार है। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, मगर हम इसे घर पर तैयार किया है। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में चने को गला लेंगे। ये देखिए चने गल चुके हैं। सबसे पहले हम एक जार में चने ऐड करेंगे और चनों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, चनों को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें तहिनी ऐड करेंगे। नींबू ऐड करेंगे, तेल ऐड करेंगे, ये जैतून का तेल है, लहसुन ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हुमूस बनकर तैयार है, अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने हुमूस को डिश आउट किया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेंशन करें। खाना खजाना हैदराबादी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।